आपने सेंटा क्लॉस हॉरर स्टोरी के पिछले भाग में देखा था कि कैसे जॉन नाम का एक लड़का साइको किलर बन जाता है और सेंटा क्लॉस का कॉस्ट्यूम पहनकर छोटे बच्चों को मारने लगता है। लेकिन कुछ सालों बाद जॉन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जॉन को कोर्ट में जब सजा सुनाया जा रहा होता है तभी जॉन कोर्ट के ऊपर से छलांग लगाकर मर जाता है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो यह था कि जॉन के मरने के बाद भी 25 दिसंबर को छोटे बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं और जो बच्चे गायब हुए होते हैं उनके घर से एक छोटा सा 3D मॉडल वाला सेंटा क्लॉस मिलता है। आखिर में इस केस को विक्रम को सौंप दिया जाता है। उसके बाद विक्रम इस केस के बारे में स्टडी करने लगता है और आखिर में ये पता चलता है कि जो कोई भी बच्चा 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉस से विश मांगता है वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसके बाद जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो विक्रम अपने बच्चे को सेंटा क्लॉस से विश मांगने के लिए कहता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन विक्रम का बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जब विक्रम अपने बच्चे के कमरे का CCTV फुटेज चेक करता है तो विक्रम एक बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को देखता है जिसे देखकर विक्रम बहुत डर जाता है। आखिर में ये पता चलता है कि बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस का भूत और कोई नहीं बल्कि जॉन का भूत है और इन सब के पीछे जॉन की मम्मी का हाथ होता है। उसके बाद बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को बहुत सारे बड़े बड़े प्रिस्ट मिलकर एक बक्से के अंदर दफना देते हैं और उसके ऊपर होली वाटर छिड़क देते हैं और उसे एक पुराने चर्च के पास दफना देते हैं। लेकिन हर साल जैसे ही 25 दिसंबर आता है तो जिस चर्च के पास बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को दफनाया गया होता है वहां से रात के ठीक 3 बजे अजीबोगरीब आवाजें आते हैं। कुछ सालों बाद जब जॉन की मम्मी को फांसी के लिए ले जा रहे होते हैं तो जॉन की मम्मी को अपनी आखिरी इच्छा के बारे में पूछा जाता है। तभी जॉन की मम्मी कहती है, मैं आखिरी बार मेरे घर पर मौजूद एक किताब को पढ़ना चाहती हूँ और मेरे बेटे जॉन को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। उसके बाद पुलिस वाले जॉन की मम्मी का आखिरी इच्छा पूरा कर देते हैं। उसके बाद जॉन की मम्मी को फांसी दे दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जॉन की मम्मी का मृत शरीर अपने कब्र से जाग उठती है और वो भी बिना सिर के। उसके बाद जॉन की मम्मी एक आदमी को मारकर अपने कटे हुए सिर के जगह पर उस आदमी के सिर को लगा देती है और अपने बेटे यानी कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को फिर से उसके कब्र से बाहर निकाल देती है जिसे वो अपना मकसद पूरा कर सके। लेकिन ये बात विक्रम को पता चल जाता है कि बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस का मृत शरीर गायब है। उसके बाद विक्रम न्यूज़ के जरिए प्रसारित कर देता है कि कोई भी छोटा बच्चा 25 दिसंबर के रात को सेंटा क्लॉस से वॉइस नहीं मांगेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक सेंटा क्लॉस का सीरीज नहीं देखा है तो पूरा सीरीज देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा। अब आगे विक्रम न्यूज के जरिए प्रसारित करके तो कह देता है कि कोई भी बच्चा क्रिसमस के रात को सेंटा क्लॉस से विश नहीं मांगेगा। अगर कोई बच्चा विश नहीं मांगेगा तो बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस यानी कि जॉन किसी को मार ही नहीं पाएगा और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन विक्रम को ये थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि हर किसी के घर पर TV नहीं था, बस गिनती के कुछ ही लोगों के पास TV था। उसके बाद देखते ही देखते 25 दिसंबर आ जाता है और उसी रात को छोटे बच्चे सेंटा क्लॉस से विश मांगने लगते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह वो सभी बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं जिन्होंने 25 दिसंबर के रात को सेंटा क्लॉस से विश मांगा था। और उन छोटे बच्चों के अलावा सभी के घर पर एक 3D मॉडल वाला सेंटा क्लॉस मिलता है। जब पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले भी कुछ पता नहीं लगा पाते और जब ये खबर विक्रम के पास पहुंचता है तो विक्रम समझ जाता है कि ये सब बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस ने किया है। उसके बाद विक्रम पहले ये पता लगाने की कोशिश करता है कि टोटल कितने बच्चे गायब हुए हैं और जांच में विक्रम को ये पता चलता है कि करीब 40 बच्चे गायब हैं और ये बात सुनकर विक्रम डर के मारे कांपने लगता है।
क्योंकि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस ने सभी बच्चों की बलि दे दी तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा और बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस पुनर्जीवित हो जाएगा। उसके बाद विक्रम पहले जॉन के घर पर जाता है क्योंकि इस कहानी की शुरुआत वहीं से शुरू हुई थी। विक्रम जॉन के घर पर जाने के बाद इधर उधर देखने लगता है। हर तरफ एकदम सुनसान और अंधेरा होता है और घर पर बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं। उसके बाद विक्रम टॉर्च के जरिए घर के सामानों को देखने लगता है तो घर के सामानों पर बहुत से धूल जमे हुए होते हैं। विक्रम अंदर ही अंदर बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि विक्रम को ये पता था कि उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है क्योंकि बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस किसी भी वक्त घर पर आ सकता है। तभी विक्रम का नज़र एक फोटो के ऊपर जाता है जिस पर शैतानों के चित्र बने हुए होते हैं। जब विक्रम ध्यान से उस फोटो को देखता है तो उसमें कुछ शैतान मिलकर एक लड़की को दफना रहे होते हैं। उस फोटो को देखकर विक्रम को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद विक्रम जब उस फोटो को निकाल कर देखता है तो उस फोटो के पीछे जॉन यानी कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस की माँ का फोटो होता है और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी होता है जो कि देखने में भी बहुत पुराना लग रहा था। उसके बाद विक्रम उस न्यूज़पेपर को देखने लगता है तो उसको उस न्यूज़पेपर में एक ऐसा अजीब सा न्यूज़ देखने को मिलता है जिसे देखकर विक्रम के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। उस न्यूज़पेपर में ट्रांसजेंडर का एक न्यूज़ होता है जिस पर दुनिया की सबसे पहले एक ऐसे आदमी का नाम होता है जो कि अपने जेंडर को चेंज किया होता है और वो और कोई नहीं बल्कि जॉन का डैड होता है। और तभी विक्रम को असली सच का पता चलता है कि विक्रम जिसको जॉन की मम्मी समझ रहा था वो दरअसल जॉन का डैड था और जॉन की मम्मी को मरने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन का डैड है। उसके बाद विक्रम उस पेपर को लेकर वहाँ से भागने लगता है और उस जगह पर जाता है जहाँ पर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस ने पहले भी एक बार बच्चों को रखा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी विक्रम का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। उसके बाद विक्रम उस जगह पर जाता है जहाँ पर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस के डैड को दफनाया गया था जिसे विक्रम बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस की मम्मी समझ रहा था। लेकिन वहाँ से भी जॉन के डैडी का डेड बॉडी गायब होता है जिसे विक्रम देखकर डर के मारे कांपने लगता है। उसके बाद विक्रम जाकर एक प्रिस्ट से मिलता है और सारी बातें बताने लगता है। तभी वो प्रिस्ट कहता है ऐसी बुरी आत्माएं उस जगह पर अपना काम करती हैं जहाँ पर एकदम सुनसान हो और उस जगह पर कोई आता जाता नहीं हो। विक्रम को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि सारे बच्चे कहाँ हैं। तभी विक्रम एक जगह पर बैठकर अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन तभी विक्रम का नज़र चर्च के ऊपर जाता है। तभी विक्रम को याद आता है कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को जहाँ पर दफनाया गया था उसी के पास एक खंडर चर्च था और चर्च एक ऐसा जगह होता है जो कि खंडर होने के बाद उसके आसपास से कोई आता जाता नहीं है। उसके बाद विक्रम उन सभी प्रिस्ट को अपने साथ लेकर जाता है जिन्होंने पहले भी बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को बंदी बनाकर दफनाने में मदद किया था। उसके बाद विक्रम और सभी प्रिस्ट मिलकर जंगल पर मौजूद पुराने खंडर चर्च में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस एक आदमी के टुकड़े टुकड़े करके काट रहा है और ये नज़ारा देखकर विक्रम और सारे प्रिस्ट डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन तभी सारे प्रिस्ट बाइबल में कुछ मंत्र पढ़ते हुए बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को एक लोहे से बांध देते हैं। बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस के पास एक कुल्हाड़ी होता है जिसे वो दो प्रिस्ट को गला काट कर मार देता है। आखिर में बची हुई प्रिस्ट मिलकर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को बंदी बनाकर एक बक्से में भर देते हैं। बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद आखिर विक्रम और प्रिस्ट मिलकर जॉन को दोबारा जमीन के अंदर दफना देते हैं जिसे वो कभी भी बाहर नहीं आ सके। लेकिन बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को दफनाने के बाद भी विक्रम के मन में
एक अजीब सा डर होता है। आखिर क्या है वो डर?